ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर के एक अपडेट है। अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि 2024 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, ये नोटिस दो तीन बार और भी आ चुका है और ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि एक वीडियो मैं बनाया था जिसमें बोला था कि आईटीआई लागू रहेगा, तो कुछ लोगों ने बोला था हम प्रोटेस्ट करेंगे, आईटीआई हटा देंगे। कुछ लोग आईटीआई के पक्ष में है, कुछ लोग आईटीआई के विपक्ष में है। तो यहाँ पे देखेंगे इस नोटिस में क्या लिखा है। स्पष्ट कर दिया गया है कि 2018-2019 मतलब 15-6-2019 की पहले जितनी वैकेंसी आई थी उसमें आपको 10th बेसिस पे जॉब दिया गया था, ठीक है। 10th बेसिस पे आपका मतलब क्वालिफिकेशन रखा गया था, चाहे वो मैकेनिकल को हो, इलेक्ट्रिकल की हो, सिग्नल की हो, कोई भी हो, आपका मतलब टेक्निकल डिपार्टमेंट है ग्रुप डी, फिर भी आपको 10th बेसिस पे जॉब दिया गया था। लेकिन 15-6-2019 के बाद जितनी वैकेंसी आएगी, क्लियर कर दिया गया कि 15-6-2019 के बाद जितनी वैकेंसी आएगी उसमें आपको NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 10th के साथ या 10th प्लस ITI, मतलब साथ में ITI होना चाहिए या आप अप्रेंटिसशिप किए हो रेलवे से ओनली, ठीक है, स्पष्ट कर दिया गया है। तो यहां पे क्लियर है कि जो भी वैकेंसी आएगी आपको 10th प्लस NAC अप्रेंटिस आप कर लिए हो या आप ITI किए हो 10th के साथ, तो ये क्वालिफिकेशन एकदम लागू रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और लास्ट में अपना एक लाइन में भी लिखा है कि उम्मीदवार तथा तदनुसार अपने आप को तैयार रखे, ठीक है। वो पहले ही बोल दिया कि भाई वैकेंसी के अनुरूप अपना क्वालिफिकेशन आप तैयार रखे, बाद में ये बात नहीं होना चाहिए कि ठीक है ITI हटा देंगे जो भी आप मतलब प्रोटेस्ट की बात करें, ठीक है। हो सकता है कि रेलवे साथ में कुछ नॉन टेक मतलब पोस्ट दे, नॉन टेक मतलब जो ITI पे ना हो कुछ पोस्ट दे सकता है जो आपको 10th और 12th पे रहे, ITI की जरूरत ना पड़े, हो सकता है इन द केस, और शायद रहेगा। लेकिन ITI और आपका अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है, चाहे आप 10th के साथ किए हो या 12th के साथ किए हो, आपका ये दो क्वालिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया, ये नोटिस दो तीन बार और भी आ चुका है। अब बात आती है कि भाई क्यों ये नोटिस अभी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये नोटिस सर्कुलेट क्यों हो रहा है, क्योंकि रेलवे के कैलेंडर के अनुसार जो वैकेंसी का टाइम लाइन था अक्टूबर नवंबर था, ठीक है, नवंबर में आए दिसंबर में आए, यही मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ठीक है। तो देखिए भले रेलवे एग्जाम लेने में देरी कर दे रहा है, जैसे जो टाइम लाइन दिया था, जो कैलेंडर दिया था उसके अनुसार एग्जाम नहीं ले रहा है, लेकिन वैकेंसी टाइम पे दे दे रहा है। जब जब वैकेंसी की बात कहा है, जिस जिस टाइम में दिया है, चाहे वो LP का हो, टेक्नीशियन का हो, NTPC का हो, बिफोर या उसी टाइम नोटिस दे दिया है कि ठीक है वैकेंसी आ रही है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिस जारी हो जाए। तो एक बहुत बड़ा अपडेट था, जो लोग ग्रुप डी को लेकर के आस लगाए बैठे हैं, तैयारी करते रहिए, बेहतर तैयारी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।